आज फर्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व वन मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, मेयर साहिबा विश्राम जी मीणा साहब और फर्स्ट इंडिया के सभी अधिकारीगण, वन विभाग के प्रमुख ऑफ साहब और उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, आज टूरिज्म, फॉरेस्ट और लिवलीहुड के ऊपर ये जो कार्यक्रम रखा गया उसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रखा, इसकी ज़रूरत भी है। आज फ्यूचर में टूरिज्म, फॉरेस्ट और लिवलीहुड किस प्रकार से और आगे बढ़े इसके बारे में, वैसे वन विभाग का और टूरिज्म का, जैसा पूर्व में कहा गया, दोली चमन का साथ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों। क्योंकि जैसे राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है तो वो फॉरेस्ट एरिया में ही है, तो इसलिए फॉरेस्ट तो महत्वपूर्ण उसमें है ही, लेकिन उसके साथ साथ टूरिज्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, रणथंभौर सरिस्का और मुकंदरा हिल्स टाइगर, अभी रामगढ़ बिस्तारी चौथा, और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार अब राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व शुरू हो चुके हैं। अभी पूर्व में बता रहे थे किसी समय पूरे देश में 10 टाइगर रिजर्व थे, आज 4 अकेले राजस्थान में है। इसी तरह बायोलॉजिकल पार्क भी राजस्थान में है, 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 3 राष्ट्रीय उद्यान भी अभी विश्वेंद्र सिंह साहब उनके भरतपुर में ही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकंदरा हिल्स और रणथंभौर में भी ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और इसके अलावा भी 4, जैसा मैंने कहा, बायोलॉजिकल पार्क भी है, अबेड़ा कोटा में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, माचिया जोधपुर में है और नारगढ़ जयपुर में है। इसके अलावा भी और भी 27 वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस प्रकार कहने का मतलब, इस क्षेत्र में वन विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके इच्छानुसार विभाग और हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। तो सबके मिल करके काम करने से ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार, और अभी इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में 2-2 करोड़ रुपए लव कुश वाटिका के लिए वन क्षेत्र और उसके समीप में विकसित करने के लिए दिए हैं। उसके अलावा डिवीजन हेडक्वार्टर, राजस्थान के 7 डिवीजन हेडक्वार्टर पर 30 करोड़ रुपए बोटेनिकल गार्डन्स के स्थापना के लिए दिए। और भी वन विभाग की गतिविधियां हैं, उसके लिए भी अलग अलग योजनाओं के तहत काफ़ी बजट मिला है। तो उस बजट की उपलब्धता को देखते हुए जिस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसमें काफ़ी वन की दृष्टि से और वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर में गोडावण के प्रजनन का केंद्र भी स्थापित किया गया है,
उससे जो कि प्राय लुप्त सा हो गई थी गोडावण, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब इस प्रकार मुख्यमंत्री जी सहयोग से हम काम कर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया भी इसमें पूरी प्रसार प्रसार का काम है, उसमें इनका भी पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा तभी जाकर के हम इस दिशा में काम कर पाएंगे। अकेला वन विभाग इसमें बिना टूरिज्म विभाग के सहयोग के और दूसरे विभागों के सहयोग के, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के, आप सब लोगों के सहयोग के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज जो ये सेमिनार रखी गई है, इस सेमिनार से आने वाले समय में हमें जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से ये सेमिनार रखी गई, उसमें हम सफल होंगे। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बताया, अभी भी और भी कुछ शायद अपने विचार रखेंगे, तो इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को लाभ होगा। अंत में मैं फर्स्ट इंडिया ने जो ये सेमिनार रखी है और हमें भी यहाँ पर बुलाया है, मान सम्मान दिया है, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आगे और आज सहयोग मिल रहा है फर्स्ट इंडिया से, उसी प्रकार आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।